हमारे साथ अशोक बागड़िया जी मौजूद हैं, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल कंसल्टेंट हैं, एडिटर हैं, लीगल एडिटर। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि समस्या क्या है, दरअसल कहां पर समस्या है इसको लागू करने में, और समाधान क्या है, संक्षेप में अगर बता पाए। हाय सुमेरा, एक्चुअली जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, समस्या दो है। पहली चीज कि हम लोग पिछले 72 सालों से इस विषय पे सिर्फ चर्चा करते आए हैं। इनफैक्ट लॉ कमीशन ने भी 2018 में कहा कि इंडिया इज नॉट येट रेडी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उन्होंने ये कहा कि जो देश में जितनी भी इनफैक्ट सिर्फ रिलीजन ही नहीं, जब सेक्ट्स और सबसेक्ट्स भी हैं, उन सबको साथ में लेके चलना चाहिए और एक मतलब एक यूनानिमिटी होनी चाहिए इस इशू पे कि रिफॉर्म होनी चाहिए उनके पर्टिकुलर लॉज में या जो कस्टम्स ये लोग फॉलो करते हैं, और उसके बाद में ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि भाई जब इसको आर्टिकल 44 एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये इच्छा जताई थी कि भाई पार्लियामेंट एक किसी स्टेज पे अपने विवेक में इस पे कानून लाएगी, और इसीलिए जानबूझ के इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है। अश्विनी जी ने ठीक कहा, अश्विनी जी की पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। अश्विनी जी चाहते हैं कि इस देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और उन्होंने जो रास्ता चुना है वो न्यायालय का, उन्होंने पार्लियामेंट का रास्ता नहीं चुना है कि भाई ये अश्विनी जी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश दे लॉ मेकर्स को कि भाई आप कानून बनाइए। लेकिन अश्विनी जी को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि भाई हम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ मेकर्स के जुरिसडिक्शन में ये पॉलिसी इशू है और इसको बनाना चाहिए, यानी वो उनके एरिया में इंक्रोच नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि हम जो लॉ मेकर्स हैं उनके इलाके में इंक्रोच नहीं करना चाहते, लेकिन गाइडेंस उन्होंने जरूर दी है कि आप बढ़ें इस दिशा में आगे ताकि इसमें अहम काम हो सके। अश्विनी उपाध्याय जी इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ आज जुड़े भी हैं। लेकिन संगीत रागी जी, ये सब है, ये एक तरफ है कि उसकी जरूरत है, उसकी अच्छी बातें भी हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की अच्छी बातें भी हैं, अगर लागू हो जाएगा, प्रारूप सामने आ जाएगा तो फायदा होगा बहुत से समुदायों को, बहुत सी महिलाओं को, बहुत से बच्चियों को, सबको इससे फायदा मिलने वाला है। लेकिन वो एक सवाल जो कायम है वो ये कि ये चुनाव के पहले क्यों उठता है मुद्दा, अभी क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि इसको चुनाव एक ऐसा आपको अवसर देता है जब देश के और राज्य के बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाते हैं, और मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के यदि आप घोषणा पत्र को देखेंगे तो चुनाव ये जो समान नागरिक संहिता रही है वो हमेशा इसका मुद्दा रहा है, कोई आज का ये मुद्दा नहीं रहा है जी। मुझे लगता है यह भी एक कारण है। दूसरी बात देखिए, 72 साल से तो हम सहमति नहीं बना पाए, और सहमति नहीं बनाने का कारण बहुत साफ है। इस देश का मुस्लिम समाज सहमत होने के लिए किसी मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर तैयार रहता ही नहीं, और नतीजा यही है कि वो हमेशा जैसे ही समान नागरिक संहिता की बात आती है वो इस पर बोलना शुरू कर देते हैं ये धर्म के खिलाफ है, हमारे पर्सनल लॉ उसके बीच में हस्तक्षेप है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुस्लिम समुदाय तैयार कभी नहीं हुआ है आपके मुताबिक? राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं तैयार होता है, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर तैयार नहीं है, तो क्या फिर कानून बनाकर सामने रख दिया जाए तो ही वो इस पर राजी होंगे? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।